फ्रेशर की वैकेंसी है जो राजस्थान हाईकोर्ट में निकली है और एक एक्सपीरियंस वाली वैकेंसी है जो झारखंड में निकली है। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके और आप सबको गुड मॉर्निंग। आज अपन दो वैकेंसी की बात करेंगे, एक फ्रेशर की वैकेंसी है जो राजस्थान हाईकोर्ट में निकली है और एक एक्सपीरियंस वाली वैकेंसी है जो झारखंड में निकली है। तो दोनों वैकेंसी के बारे में बताऊंगा, इसके बेनिफिट्स भी बताऊंगा और फॉर्म फिल करना, फ्रेशर वाले तो सब फिल करना, कोई भी स्टेट का भर सकता है इस फॉर्म को, और झारखंड वाली मैं बताऊंगा, झारखंड वाले ही भर सकते हैं। तो दोनों वैकेंसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे और बेनिफिट्स भी बात करेंगे, क्या बेनिफिट्स हैं, और मिस मत करना, अगर लग जाती है तो बहुत अच्छी चीज है, दोनों वैकेंसी काफी अच्छी है। एक राजस्थान हाईकोर्ट की जो वैकेंसी है मैं आपको उससे बात मतलब उसकी बात कर लेते हैं अपन। सबसे पहले राजस्थान हाईकोर्ट की बात कर लेते हैं क्योंकि मैं भी एक राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो सबसे पहले राजस्थान हाईकोर्ट की बात करते हैं। देखो, राजस्थान हाईकोर्ट में वैकेंसी निकली है, एक पन्ने का नोटिफिकेशन है, वैसे इसकी सैलरी वैलरी इसमें लिखा नहीं हुआ, पर जितना मुझे पता है मेरे बैचमेट्स काफी लोगों ने जॉब करी है इसके बारे में, तो मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बता दूंगा तो उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। देखो, 13/10/2023 का नोटिफिकेशन है और ये लीगल रिसर्चर की जॉब है और इसके बारे में हर कोई जानता होगा, नहीं जानता होगा तो अभी पता चल जाएगा आपको। एक वैकेंसी निकली है और ये निकली है ऑनरेबल जस्टिस मदन गोपाल व्यास के अंडर में निकली है, आपको इनके अंडर में काम करना पड़ेगा एक साल के लिए, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, मैक्सिमम एज 33 है इसमें, फॉर्म स्टार्ट हो रहा है 14/10/2023 सैटरडे से लेकर 28/10/2023 इस महीने की 28 तारीख लास्ट डेट है, और फीस एग्जामिनेशन फीस भरने की है 14/10/2023 से लेकर 29/10/2023 संडे तक, तो इस महीने की लास्ट डेट है। तो जो जो एलिजिबल है, हर कोई एलिजिबल है, बस मैक्सिमम एज 33 है और इसमें शायद आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए बार काउंसिल में, वैसे इसमें कहीं लिखा नहीं है, इसके रूल्स पढ़ोगे ना, आपको राजस्थान हाईकोर्ट की ऑफिशियल साइट बता देता हूँ, hcr.raasthan.nic.in, इसमें आपको राजस्थान हाईकोर्ट के मिल जाएंगे वेबसाइट में, लीगल रिसर्चर के जो भी स्कीम है एंगेजमेंट वो सारी स्कीम मिल जाएगी। और देखो, ये आप इसको अप्लाई कर सकते हो, घर से भी कर सकते हो, साइबर कैफे से भी कर सकते हो, ऑनलाइन मतलब बेसिकली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, नेट चाहिए, और आप ई मित्र के थ्रू भी कर सकते हो इसको, और इसमें आपको फोटो साइज बता रहे 10 KB से 25 KB सिग्नेचर होने चाहिए, 10 KB से 25 KB, और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही डालना है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, फी पे करनी पड़ेगी आपको, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। और इसकी मैं बता देता हूँ, जहां तक इसकी सैलरी 50,000 के आसपास रहती है, पहले 25,000 मिलते थे, अब शायद 50 कर दिए, तो 50K के आसपास सैलरी रहती है, इसमें कहीं लिखा नहीं है, केवल एक पन्ने का नोटिफिकेशन है जो मैंने आपके लिए लगाया था ना, तो सैलरी काफी अच्छी रहती है, 50K के आसपास रहती है। आप ऑनरेबल जज के साथ काम करते हैं, ऑनरेबल हाईकोर्ट जज के साथ काम करते हैं, एक बेसिकली आपका रिसर्चर का काम होता है, आपको केस लॉ उनको रिसर्च करके देनी पड़ती है, जब वो जजमेंट लिखते हैं, जजमेंट साइन करते हैं, तो केस तो रेफर करने ही पड़ते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो आपको रिसर्च करके देनी पड़ती है, और भी डेटा ऑपरेट करना पड़ता है, कंप्यूटर से डील करना पड़ता है, बट इसका ये फायदा है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, फ्यूचर में आप जब हाईकोर्ट की मतलब हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहोगे तो आपको ऑलरेडी काम आता होगा, क्योंकि आपके पास फाइल आएंगी, ड्राफ्टिंग की फाइल आएंगी, केस फाइल पढ़नी पड़ेगी, रिसर्च कर रहे हो तो आपको फाइल भी पढ़नी पड़ेगी, तो और जब आपको आर्ग्यूमेंट सुनाई देंगे सीनियर एडवोकेट्स के, कभी डबल AG भी आते हैं, बहुत बड़े बड़े एडवोकेट आते हैं हाईकोर्ट में, और ऑनरेबल साहब जज साहब जजमेंट देते हैं, तो उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो बिल्कुल मिस करना। ये सोच रहे हो एक वैकेंसी है तो ये बिल्कुल मत सोचना, आजकल बच्चों के मन में ये आ जाता है कि हरियाणा, जैसे मैंने कल वीडियो डाला है हरियाणा, ये वीडियो परसों मिलेगा, तो परसों वाला जो वीडियो मैंने हरियाणा का डाला था, तो उसमें बच्चे बोल रहे थे कि सर हरियाणा में तो हरियाणा वालों को ही लेते हैं, तो आप लोगों ने अगर ये मेंटेलिटी कर लिया तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, राजस्थान में राजस्थान वालों को लेते हैं ऐसा कुछ नहीं है, हर स्टेट के सेलेक्ट होते हैं, राजस्थान में मैंने बहुत देखे हैं, नोएडा के हैं, कोई दिल्ली का है, कोई कहाँ का है, हरियाणा के बहुत लोग सेलेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं, अदर स्टेट के बहुत लोग आते हैं, वेस्ट बंगाल से भी देने आते हैं, JLO का जो पेपर हो रहा है ना, वेस्ट बंगाल से देने भी आ रहे हैं, पंजाब से भी देने आ रहे हैं, पंजाब के लोग भी सेलेक्ट होते हैं राजस्थान में, और सोचो उनको तो हिंदी इतनी आती भी नहीं है, फिर भी वो करते हैं, मेहनत करते हैं, गुजरात से लोग सेलेक्ट होते हैं, राजस्थान से गुजरात जाता है, तो अगर आप ये सोच के फॉर्म भर रहे हो कि आप स्टेट वालों को ले रहे हैं तो बहुत गलत सोच है आपकी, तो इस बारे में बता दिया। अब सेकंड वैकेंसी की बात करते हैं, देखो सेकंड वैकेंसी आई है झारखंड में, इसका भी दो पन्ने का नोटिफिकेशन है, ज्यादा बड़ा नोटिफिकेशन है नहीं, ये लिखा हुआ है झारखंड लॉ ऑफिसर एंगेजमेंट रूल्स 2018 में आई है,
और ये धनबाद मतलब धनबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की वैकेंसी है, झारखंड रांची। और इसका एलिजिबल बता देता हूँ कौन कौन एलिजिबल है। सिटीजनशिप होनी चाहिए, बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए एडवोकेट एक्ट के तौर, और इनकम टैक्स भरी हो आपने 3 साल, फाइनेंशियल ईयर की 3 साल की आपकी इनकम टैक्स भी देखेंगे, और प्रैक्टिस 10 साल की हो सिविल कोर्ट इन झारखंड, मतलब झारखंड वाले ही जो झारखंड में रजिस्ट्रेशन करा रखा है हाई कोर्ट में या बार काउंसिल में, तो वही फिल कर सकते हैं इसको। और कंप्यूटर का भी अतिरिक्त नॉलेज हो, बेसिक नॉलेज मांगते हैं। और ये जो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड ऑफेंस एक्ट होता है ना, उस कोर्ट में आपकी जॉब लगेगी, काफी अच्छी सैलरी रहती है। अब इसका बेनिफिट मैं बताता हूँ, ये जो अभी एक वैकेंसी है, शायद एक वैकेंसी है, आप लोग देख लेना। और इसमें जब आप प्रैक्टिस करने जाते हो ना, आप अपनी, चलो माना ये टेम्पररी बेसिस पे है, परमानेंट नहीं है, मैं आपको बताता भी हूँ दो तरीके से आप सरकारी वकील लग सकते हो। एक तरीका ये भी है लगने का, ये डायरेक्ट अपॉइंटमेंट है, इंटरव्यू है, कोई पेपर नहीं होगा इसमें आपका, तो डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, तो मिस ना करें जो जो एलिजिबल है। और ये झारखंड के लिए है, और राजस्थान हाईकोर्ट वाली तो कोई भी फिल कर सकता है, फ्रेशर कर सकता है फिर, मैक्सिमम एज 33 है उसमें। और इसकी फॉर्म की बात कर लेते हैं, और इसकी लास्ट डेट आप लोग देख लेना, अभी तो है इसमें टाइम, मैंने देखी तो थी, अगर मुझे दिखेगा तो मैं लगा दूंगा। इसकी फॉर्म की बात कर लेते हैं, देखो आवेदन का नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, बार काउंसिल में एनरोलमेंट नंबर लिखना है, कार्य कितने साल का एक्सपीरियंस है वो लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, पता लिखना है, और बार काउंसिल के आपको वो भी लिखनी है सारी चीजें, प्रैक्टिस का किस मतलब प्रैक्टिस कहाँ से करते हो, ये सारी चीजें लिखनी है, एक पन्ने का सारा फॉर्म है जमा कराना है आपको फिल करके, धनबाद ये डिस्ट्रिक्ट जो भी है वहां पे जाके। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना, तो इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आते हैं, चाहे कितनी भी वैकेंसी आए, कहीं पे भी वैकेंसी आए बताता हूँ। जैसे आज मैं राजस्थान हाईकोर्ट की बताई है, और आपको झारखंड की बताई है, झारखंड से भी बहुत लोग देखते हैं, कितने लोग देखते हैं कमेंट करके बताना, पता भी तो चले कहाँ से कितनी ऑडियंस है, तो कमेंट भी करना आप लोग। और थोड़ी चैनल की बात कर लेते हैं, देखो चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आता है, लॉ ऑफिसर की वैकेंसी कहीं पे भी आए, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी आए मैं बताता हूँ, और लेटेस्ट अपडेट देता हूँ। जैसे हरियाणा का जो भी हरी झंडी मिली है न्यूज की, मतलब काफी यूट्यूब चैनलों ने नहीं डाला, तो मैंने आपको लेटेस्ट अपडेट दे दी, कितनी वैकेंसी आ सकती है, क्या प्रोसेस है, नियम चेंज हो रहे हैं हरियाणा में, हिंदी में भी पेपर होगा, पहले इंग्लिश में ही हुआ करता था, वीडियो ढंग से नहीं देखता, उस वीडियो में बोलने लग गए सर हिंदी में ही होगा क्या पेपर, इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा पेपर, पहले इंग्लिश में हुआ करता था अब हिंदी में भी होगा, और हरियाणा के रूल्स भी आएंगे, तो ऐसे आपको लेटेस्ट अपडेट टाइमली मिल जाती है, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन जो भी है उसको एनहेंस कर सकते हो, और जो एग्जाम पैटर्न रहता है उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर किसी बच्चों को पता ही नहीं होगा, जैसे बहुत बच्चों को पता है कि हरियाणा का पेपर इंग्लिश में होता है, तो हिंदी वाले तो वैसे ही नहीं देते, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो उनको पता चल जाएगा हरियाणा का पेपर हिंदी में भी होने वाला है, तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं हरियाणा जुडिशरी की, ये तो वैसे राजस्थान का पेपर हिंदी में होता है, तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारी स्टेट कवर कर रखी है, जैसे हरियाणा, दिल्ली, 13 से 14 स्टेट है इंडिया की मैंने कवर कर रखी है, क्या फैसिलिटी, क्या सैलरी मिलती है। और इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, फॉलो कर लेना, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो लॉ से रिलेटेड मुझे मैसेज कर देना, रिप्लाई कर दूंगा। फॉलो जरूर करो चैनल को भी, इंस्टाग्राम को भी, और लाइक करके जाना, एक कमेंट भी करना, अपने दोस्तों से शेयर करो इस वीडियो को, और काफी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को, तो सब्सक्राइब करो, अच्छा लगता है यार, सपोर्ट करो आप लोग, आपका सपोर्ट से ही आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है भाइयों, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।